गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बिजनेस एथिक्स, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथोस के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आपको पता है बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 5 को पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर अपन ने थ्योरी ऑफ संस्कार को पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि 16 टाइप ऑफ संस्कार्स आर देयर। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो है एथिकल डिसीजन मेकिंग, लेक्चर नंबर 39। और आप देखिए कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो हर एक पर्सन के लिए काम आने वाला है इन द कैरियर। आप देखिए कि प्रतिदिन अगर आप फैमिली में भी रह रहे हैं, चाहे आप किसी वर्क में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। समय समय पर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब उसमें आप एथिकल ले रहे हैं या अनएथिकल, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। यदि हम देखें, मैनेजर्स हों चाहे एग्जीक्यूटिव्स हों, उनको नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन जो है पर डे लेने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब वो बिजनेस डीलिंग की बात करते हैं, कई डिसीजंस तो ऐसे होते हैं जो कि मॉरली और एथिकली जस्टिफाई हो सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बिजनेस के लिए कंपल्शन है या प्रेशर की वजह से हमें लेने पड़ रहे हैं, और ये वो डिसीजन होते हैं जो कई बार अनएथिकल हैं और इल्लीगल हैं। अगर हम जब भी एथिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसके लिए ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। हमें खुद तो सक्षम हो एथिकल चीज़ समझने में, हमारे अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए ताकि हम इश्यूज़ को एथिकल और अनएथिकल में डिवाइड कर सकें। हम जब कोई डिसीजन लें तो हमें इसकी प्रैक्टिस तो हो कि हम हमेशा एथिकल पॉइंट को सोचें। कई बार लोग पर्सनल बैकग्राउंड की चीज़ों को सोचने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके लिए अनएथिकल चीज़ें पहले प्रायोरिटी में आ जाती हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये एथिकल है या अनएथिकल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले जो मैनेजर्स हैं उनको एथिकल चीज़ों पे ट्रेंड करना ज़रूरी है। और जब हम एथिकल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ज़्यादा एसेंशियल पॉइंट हो जाता है कि हर मैनेजर को एथिक्स बैकग्राउंड पे, मॉरल्टी बैकग्राउंड पे सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। और ये यदि हम रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं एथिकल, तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। वो स्टेप्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है अवेयरनेस, देन जजमेंट, देन मोटिवेशन, देन बिहेवियर। अवेयरनेस का मतलब है मॉरल एथिकल अवेयरनेस। मॉरल अवेयरनेस का मतलब है मॉरल सेंसिटिविटी। हर एक पर्सन की इंडिविजुअल एबिलिटी, ये समझने में कि किस सिचुएशन में मॉरली सही क्या है या गलत क्या है, क्या ये मॉरली इशू है या नहीं है, क्या इसको हमें एथिकल ग्राउंड पर चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी इशू को मॉरली समझ पा रहे हैं तो वो आपकी इंडिविजुअल अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उन एक्शंस को ले पा रहे हैं, या आपके एक्शन की वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नुकसान हो रहा है तो किसी एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन को इन एथिकल डायमेंशंस के लिए सिचुएशंस को समझना आना चाहिए। जैसे पहला लेवल आता है आपका सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक रूप में, सामाजिक बंधनों के रूप में आप जो डिसीजन की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, वो कितना एक्सेप्टेड है, जिस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है वो कितना एक्सेप्टेड है सामाजिक तौर पर। दूसरा, अनअवेयर दैट अदर पीपल्स आर इन्वॉल्वमेंट। यदि आपको पता है कि और लोग भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं, और लोग भी इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, बट आप उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, अनअवेयर हैं, तो आप मॉरली डिसीजंस कैसे लेंगे, क्योंकि आपने अभी दूसरी पार्टीज को तो कंसिडर अभी किया ही नहीं, आपको तो यही नहीं पता कि और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस डिसीजन लेने से जो लोग नुकसान में होंगे उनसे हमारी दूरियां हैं, यानी हमारी डिस्टेंस है, हम उनके बारे में सोच ही नहीं पा रहे, तो हम मॉरली गलत हो जाएंगे। और जो पोटेंशियल विक्टिम्स थे उन पे यदि आप इफेक्ट कम करने सकते हैं तो करने की कोशिश करिए। तो
तो मॉरली या एथिकल अवेयर वो पर्सन होगा जो हर चीज़ को, हर कंसर्न को, हर डायमेंशन को सोच के चलेगा। उसको पता है कि इससे किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा है, मेन विक्टिम कौन था, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं उन पे सभी पार्टीज इन्वॉल्व हुई या नहीं, और जो इन्वॉल्व हो गए हैं सारे क्या उनको कोई नुकसान और बेनिफिट तो नहीं हो रहा, ये हमें चेक करना पड़ेगा मॉरल बैकग्राउंड पर। फिर आता है मॉरल जजमेंट। हमें यहाँ पे जजमेंट लेना है कि हम जो भी कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। हम जो भी वन पॉजिटिव, क्योंकि सबको पता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन तो हज़ार हो सकते हैं, पर उसमें से लेंगे तो हम एक ही सॉल्यूशन। जो एक पॉसिबल सॉल्यूशन आप ले रहे हैं क्या वो मॉरली सही है। और इस डिसीजन को लेने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि यदि यहाँ पे कोई और होता वो क्या इस डिसीजन को मानता या किसी और डिसीजन को चूज करता। यहाँ पे हम सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ पाएँ, इंटरप्रेट कर पाएँ, और उस सिचुएशन में प्रॉब्लम की नीड को भी समझना पड़ेगा, वेलफेयर एक्टिविटी समझनी पड़ेगी पार्टिसिपेशन की, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो लोग इसमें से जुड़ रहे हैं, जो इफेक्टेड होंगे, जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके लिए भी हमें समझना पड़ेगा। तो मॉरली कितना चीज़ें सही है या गलत है डिसीजन से, ये आपको समझ में आना चाहिए। देन मॉरल एथिकल मोटिवेशन, आप बीइंग एज ए पर्सन आप किसको पहले प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, मॉरल वैल्यूज या पर्सनल वैल्यूज। आप इंटेंशनली कोई काम कर रहे हैं या मॉरली आप इस काम को करना चाह रहे हैं, पहले आप इस फर्क को समझ लीजिए। अगर आप देख रहे हो कि नहीं मेरी पर्सनल वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पर्सनल वैल्यूज से ही डिसीजन लूंगा, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी के लिए हार होने वाला है। और यदि आप चीज़ों को एथिकली हो रहे हैं, मोटिवेटेड होते हैं एथिकल बैकग्राउंड पर, तो आप किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं देंगे। इसलिए मोटिवेशन को हमने थर्ड कंपोनेंट रखा है, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, ये आपको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने बिहेवियर को और अच्छा बना सकें। फिर आता है मॉरल बिहेवियर, टू बी एथिकल। हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, चीज़ों को सही तरीके से होनी चाहिए या इलीगल भी चलेगा। मेरे ख्याल से सभी का जवाब होगा एथिकल। और जो भी काम आप करें, जो भी एक्टिविटी आप करें, वो सही तरीके से करें, यही सबके बिहेवियर में, यही सबकी सोच में होता है। पर एथिकल तरीके से करें, इसके लिए ज़रूरी क्या है, आप खुद अवेयर हों, आपको ये पता हो कि चीज़ें सही क्या है और गलत क्या है। अगर आपको ही डिफरेंस नहीं पता है लीगल और इलीगल में, एथिकल और अनएथिकल में, तो आप कभी भी चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर सकते। फिर हम बात करेंगे डायलेमा की। जब हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो कभी कभार कुछ डायलेमास भी आ जाते हैं। जैसे जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हेल्प नहीं करी, या वो उसका मेंबर बनना नहीं चाह रहा, या पार्टिसिपेशन नहीं लेना चाह रहा, तो क्या उस पर्सन को उस ग्रुप का पार्ट बने रहना देना चाहिए या नहीं, ये सोचना पड़ेगा। ये डायलेमा का सिचुएशन आता है, क्योंकि जो टीम बनी थी वो तो डिसीजन लेने के लिए बनी थी। अब यदि कोई पर्सन डिनाई कर रहा है कि नहीं मेरे को आप इसका पार्ट मत मानिए, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये हम इस पर्सन को, इस टॉपिक को हम क्या इनको यहाँ अकाउंटेबल या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ये नहीं ले रहा है, क्या हम इनको एथिकल बैकग्राउंड पे क्या ये ग्रुप डिसीजन के अंदर आएंगे। ऐसे ही जब हम प्रैक्टिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, कारणों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लॉजिक्स भी बात कर रहे हैं और एथिकल भी बात कर रहे हैं। तो जो भी ग्रुप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, उनको प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना चाहिए कि कोई चीज़ प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल है, ये पता होना चाहिए। ये मैटर जो है ना, ये ग्रुप का मैटर है, ग्रुप के नॉर्म्स का मैटर है, एथिकल बैकग्राउंड का डिसीजन से ही ये सारे के सारे। देन जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं बाय ग्रुप्स, इनफैक्ट कई तो ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप कमांड के साथ लिया था, यानी कि जो लीड पर्सन है वही ग्रुप को कमांड कर रहा है,
और वो इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को चला रहा है, तो कई बार हमें बाकी टीम मेंबर्स और मेन पर्सन की लॉयल्टी पे भी डायलेमा क्रिएट हो जाता है। अगर कोई पर्सन की लॉयल्टी कम है, बिलीफ कम है, वैल्यूज़ कम है, तो वो अलग अलग रहने लगता है, और इस कंडीशन में हम एथिकल चीज़ों को नहीं कर सकते। यदि हम देखें वैल्यूज़ फॉर इंडियन मैनेजर्स, क्या है एथिकल वैल्यूज़, सबसे पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आपका आपके काम के प्रति एक अच्छा एटीट्यूड और बिहेवियर होना चाहिए। आप अपने वर्क के लिए कमिटेड होने चाहिए। आपका जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आप हमेशा राइट एक्शन करें और ये फीलिंग आपके इंटरनल से आए, इनर्शिया से आए, तो बहुत अच्छा है। जो एक्टिविटी, जो डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करना चाहिए कि आप पे लोग विश्वास करते हैं और आपने जो डिसीजन लिया है उस पर आपको खुद एक विश्वास है कि ये सही है एथिकली। अगर अब तक कुछ गलत डिसीजन हो जा रहे थे अनएथिकल, तब कोशिश करिए कि उसको आप एथिकल पैकग्राउंड पर पहुँचें। अनट्रूथ से ट्रूथ पर चलिए, असत्य से सत्य की तरफ जाना है। फिर आते हैं 12 ट्रेट्स में पहला आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी, क्योंकि ये दो जो हम पाप अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारे सक्सेसफुल लीडर की क्वालिटीज़। तो सबसे पहली क्वालिटी कौन सी आई? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या कहती है? ऑनेस्टी। आप हर तरीके से ऑनेस्टी के साथ सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। पीपल या नॉर्मल पब्लिक की बात करें, वो हमेशा ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कि ईमानदार हैं, जिनके अंदर ऑनेस्टी है, और ऑनेस्टी की वजह से ही वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको अपनी ऑनेस्टी पे ट्रस्ट है, उसकी डेडिकेशन पे ट्रस्ट है, कमिटमेंट पे ट्रस्ट है। उनको ये पता है कि इनके एथिक्स कभी नहीं हिलेंगे और इनके हाई वैल्यू स्टैंडर्ड्स हैं वैल्यूज़ के लिए। तो मैनेजर जो कि ओपन है, ट्रूथफुल है, या कंसिस्टेंट रहते हैं अपने बिहेवियर के प्रति, वो लोगों को ट्रस्ट जल्दी डेवलप कर लेते हैं। उनके लिए लोग लॉयल ज़्यादा रहते हैं और वो उनके द्वारा कोई भी कमिटमेंट जब हम उनसे करते हैं तो वो हम फुलफिल करते हैं। ये एक अच्छे लीडर की वजह से हम खुद अपने अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। दूसरा आता है आपका विलिंगनेस टू टेक रिस्क। लीडर कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराता, ना तो वो गलतियां करने से घबराता है। वो हमेशा कैलकुलेट करता रहता है कि अगर मैं कोई भी डिसीजन लूंगा तो इसमें कितना रिस्क है। यस, वो हर एक ऑप्शन को कई बार इवेल्युएट करेगा और जिसमें रिस्क सबसे कम होगा ना उसको चूज करने की कोशिश करेगा, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा उसको चूज करेगा। एक बेस्ट लीडर लर्न करता है अपनी गलतियों से। अगर पास्ट में कोई डिसीजन लिए थे और वो गलत हो गए थे, तो अगर एक अच्छा लीडर होगा ना तो वो उस डिसीजन से लर्न करेगा, उस सिचुएशन से लर्न करेगा कि मैंने पास्ट में क्या गलती कर दी थी। तो यही है बच्चों क्वालिटीज़, अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर 40 में। थैंक यू वेरी मच।